हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मा। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छत्तू की पराठा। आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ छत्तू की पराठा। मैंने एक कटोरी छत्तू लिया। मैं इसमें डालूँगी आचार का मसाला, जो तेल में रहता है मसाला, वो आचार का मसाला डालूँगी। एक चम्मच हरा धनिया, अदरक कद्दूकस करा हुआ बारीक बारीक, लहसुन कद्दूकस करके रखा है ये देखिए बारीक बारीक, हरी मिर्ची काट के रखा है, एक प्याज बारीक बारीक, जितना बारीक काट सकते हैं आप काट सकती हो, पराठा फटने की डर नहीं रहेगा। सरसों की तेल डाल देंगे एक चम्मच, कलौंजी, नींबू के रस एक पूरा, अजवाइन हाथ में ऐसे करके डाल दीजिए मसल के। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक स्वाद अनुसार, हल्का लाल मिर्ची पाउडर। आपको ये मिला के अगर लगे सूखा सूखा लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, तो हल्का पानी के छींटा देके, हल्का हल्का पानी का छींटा देके इसको मिक्स करनी है। आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, पराठा में भी तेल लगेगा इसलिए मैं पानी से कर रही हूँ। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, हो गया। देखिए मैंने आटा गूंद के रखा है इस टाइप करके। मैंने इसमें हल्का नमक डाला था, पानी से गूंदा, तेल नहीं डाला मैंने इसमें। छत्तू की पराठा बनाएंगे और बैंगन का चोखा बनाएंगे। तो बैंगन को जलाने के लिए हल्का सा सरसों की तेल लगा देंगे, फिर गैस पे जलाएंगे इसको। गैस पे अच्छे से भून लेंगे बैंगन को। अब इसे बना लेंगे। ये देखिए लोई लिया मैंने इतना बड़ा। अब इसे कटोरी टाइप बना लेंगे। ये देखिए इसके अंदर भरेंगे। फिर इसके बाद आटे को निकाल लिया थोड़ा, अब इसको बेलेंगे। हल्के हाथ से आटा लगा के फिर हल्के हाथ से ही बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। देखिए ये देखिए हो गया, डाल दिया। अब इसे पलट देंगे। ये देखिए आप अगर कटोरी नहीं बना पाएंगे तो ऐसे बेल के फिर उसके अंदर मसाला भरना है। ऐसे करके मसाला भर के ऐसे करके बंद करके फिर इसका भी आटा निकाल देना है, ज़्यादा लगे तो आटा। फिर इसे हल्के हाथ से ही बेलना है। ये देखिए अब इसमें तेल लगा लेंगे। आप अगर घी से बना सकते तो घी से बनाइए, बटर से भी बना सकते हैं आप। ये देखिए ये देखिए दूसरा वाला भी कितना अच्छा फूला है। ये देखिए बनके रेडी है हमारा पराठा। ये देखिए बैगन भून गया, अब इसको निकाल लेंगे। टमाटर भी डालेंगे, टमाटर को भी भून लेंगे।
ये देखिए टमाटर को भी भून लेंगे ऐसे। ये देखिए अच्छे से भून रहे इसको। देखिए मैंने अच्छे से भून के फिर इसको साफ कर लिया पूरा। एक आलू भी डालेंगे। पहले मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। एक मिर्ची मैंने भून के रखा था, साबुत लाल मिर्ची। हरी मिर्ची भी डालूंगी, इससे अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। पहले इसको नमक के साथ इसको अच्छे से तोड़ना है। ये देखिए, ये देखिए इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, लहसुन कटी हुई, ये देखिए एक प्याज, और सरसों की तेल जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मिक्स कर लेंगे। बैंगन को ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखिए बनके रेडी है चोखा। पराठा के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। देखिए फ्रेंड्स बनके रेडी है चोखा, सलाद और छत्तू की पराठा। आप बना के ज़रूर खाना, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वाद लगता है। आप ज़रूर घर पे बना के खाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए कितने अच्छा बना है, ये देखिए, ये देखिए। अब बना के ज़रूर खाना। बाय।